YouTube में सर्च करें कुक विद मी 24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाइए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पायल और आप देख रहे हैं कुक विद मी 24x7 चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर की और एक रेसिपी और वो है पनीर भुर्जी। तो देर न करते हुए चलिए देख लेते हैं पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इंग्रेडिएंट्स तो हमने देख लिया है, तो चलिए बना लेते हैं आज की ये रेसिपी। रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। तेल में अब हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा को थोड़ा सा भून लेंगे। जीरा थोड़ा सा भून जाने के बाद अब इसमें हम कटी हुई प्याज को डालेंगे। प्याज को हम 2-3 मिनट तक भूनेंगे। प्याज हमारा भून चुका है, अब इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके साथ मिला लेंगे और 1 मिनट तक इसको भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चा स्मेल है वो चला जाए। अदरक लहसुन हल्का सा भून चुका है, अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और फिर इसको स्लो फ्लेम में ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें हम मसाला मिलाएंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब सबको मिक्स कर देंगे और टमाटर के साथ इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे 1-2 मिनट तक। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई शिमला मिर्च। और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम ग्रेट किए हुए पनीर को। मसालों के साथ इसको हम मिलाएंगे। गैस का फ्लेम हमको यहाँ पे स्लो रखना है। अब पनीर के हिसाब से इसमें हमको थोड़ा सा नमक मिलाना है और इसके साथ ही मिला देना है कटी हुई पनीर। लो फ्लेम में इसको 2-3 मिनट तक ढककर पकाना है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ मिला देंगे। गैस को ऑफ करेंगे और हमारा पनीर भुर्जी तैयार है परोसने के लिए। ये रेसिपी आपको कैसे लगा ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। रेसिपी पसंद आए लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए मेरे नए नए रेसिपीज के लिए।